हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज मैं लेकर आई हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर क्लास 9 फॉर चैप्टर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज नंबर सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विद क्वेश्चन 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2√3 + √3 इज इक्वल टू, ऑप्शन ए इज 2√6, ऑप्शन बी इज 6, ऑप्शन सी इज 3√3 एंड ऑप्शन डी इज 4√6। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि यार 2√3 और √3 लाइक है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो लाइक होने चाहिए, क्योंकि दोनों नंबर्स में √3 आ रहा है, यानी कि दोनों नंबर कैसे हैं, लाइक है। 2√3 और √3 दोनों लाइक हैं, और लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं, और इसका आंसर क्या होने वाला है, 3√3। आप सोच रहे होंगे ये तो 2 था, ये 3 कैसे हो गया, इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या नंबर है, 1। तो 2 + 1 हो गया 3√3। तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन 2 इज द वैल्यू ऑब्टेन्ड ऑन सिंप्लीफाइंग √5 + √6 होल ओवर स्क्वायर इज ऑप्शन ए 12 + 5√30, ऑप्शन बी 13 + 2√33, ऑप्शन सी 11 - 2√30 एंड ऑप्शन डी इज 11 + 2√30। तो देखिए, यहाँ पर हम आइडेंटिटी को यूज करेंगे, और आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, प्लस वाली, जो मैं बता देती हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही आइडेंटिटी हम अपने इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। हमारे इस क्वेश्चन में जो ए है वो कितना है, √5 है, और जो बी है वो हमारे क्वेश्चन में है √6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, √5 + √6 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, पहले हम करेंगे √5 का स्क्वायर जो कि ए स्क्वायर था, फिर हम करेंगे √6 का स्क्वायर जो कि बी स्क्वायर था, उसके बाद करेंगे 2ab। 2 फॉर्मूले में है, और √5 ए की वैल्यू है और √6 जो है वो बी की वैल्यू है। आपको बताया, स्क्वायर और रूट आपस में पक्के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे को कट कर देते हैं। हमारे पास बचा ओनली 5, ऐसे ये वाला भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट ने एक दूसरे को कट किया, बचा 6, और 2 और √5 और √6 जो है मल्टीप्लाई होकर हो गए √30। अब देखिए, ये दोनों तो लाइक हैं, बट ये इनके लाइक नहीं है, क्योंकि इसमें √30 है मगर इसमें तो √30 नहीं है। तो 5 + 6 = 11 + 2√30। अब ये दोनों अनलाइक हैं, और मैंने बोला था कि लाइक टर्म्स ही ऐड हो सकती हैं, अनलाइक टर्म्स कैन नेवर बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो देखिए, कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, आई थिंक ऑप्शन डी मैच हो गया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ऑल द इंटीजर्स आर, ऑप्शन ए इज होल नंबर्स, ऑप्शन बी इज रेशनल नंबर्स, ऑप्शन सी इज इरेशनल नंबर्स एंड ऑप्शन डी इज नेचुरल नंबर्स। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था हम कैसे हम नंबर सिस्टम को कन्वर्जन शो कर सकते हैं, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने रियल नंबर से, जो कि फर्दर डिवाइड होता है 2 कैटेगरीज में। एक कैटेगरी है रैशनल और दूसरी कैटेगरी है इरेशनल। रैशनल नंबर भी फर्दर डिवाइड होगा। रैशनल किससे बनता है, इंटीजर्स और फ्रैक्शन से। तो हमने इसको भी फर्दर डिवाइड किया, एक हमारा फ्रैक्शन है और एक तरफ हमारा इंटीजर्स है, क्योंकि जब रेशनल नंबर पे काम करते हैं तो हमें फ्रैक्शन और इंटीजर दोनों के रूल्स फॉलो करने होते हैं। अब इंटीजर भी फर्दर किस में डिवाइडेड है, होल नंबर में, और होल नंबर जो है वो फर्दर किस में है, नेचुरल नंबर में। और मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कोई भी नंबर जो है वो ऊपर जाना चाहता है, नीचे नहीं आना चाहता। देखिए, जैसे हर पर्सन की भी ऐसी सोच होती है कि वो सक्सेस की तरफ मूव करना चाहता है, करना चाहते हैं ना आप भी, ऐसे ये नंबर सिस्टम जो है वो भी ऊपर की तरफ मूव करना चाहते हैं, नीचे नहीं आना चाहते। तो हमसे पूछा, क्या इंटीजर्स होल नंबर है, चेक करते हैं इंटीजर्स होल है, नो ये तो नीचे की तरफ आ रहे हैं, नहीं है, हो सकते ये
फिर उन्होंने बोला क्या रेशनल हो सकते हैं इंटीजर? यस, ऊपर की तरफ अगर वो जा रहे हैं तो वो रेशनल हो सकते हैं. तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी. और भी देख लेते हैं, क्या वो इरेशनल हो सकते हैं? देखिए इरेशनल तो अलग कैटेगरी है, वो हम इसमें मिक्स कर नहीं सकते. फिर पूछा क्या नेचुरल हो सकते हैं? तो इंटीजर नेचुरल जाने के लिए उनको डाउन आना पड़ेगा और वो डाउन आना पसंद नहीं करते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल. तो ऑप्शन बी राइट है, क्योंकि इंटीजर्स हमेशा अपवर्ड जाना चाहेंगे. हर नंबर सिस्टम जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना चाहता है. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या रेशनल नंबर रियल नंबर है? तो देखिए रेशनल ऊपर की तरफ मूव करके रियल की तरफ मूव कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज पॉसिबल. क्या आपसे पूछे क्या हर रियल नंबर इंटीजर है? तो रियल नंबर तो ऊपर है और इंटीजर तो नीचे आ गया है, तो नीचे तो वो आना नहीं चाहते, तो इट विल बी नॉट पॉसिबल. तो इस तरीके से आप कनेक्टेड कोई भी आंसर दे सकते हैं, बस ये चेक करिए कि वो डाउन नहीं आने चाहिए. अगर वो डाउन आए तो फॉल्स है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज द रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 इज. ऑप्शन ए इज 3/2, ऑप्शन बी इज 7/2, ऑप्शन सी इज 5/2 एंड ऑप्शन डी इज 1/2. तो हमें फाइंड करना है 1 और 2 के बीच का रैशनल नंबर. तो उसके लिए फॉर्मूला बताते हैं हम आपको. क्या करना होता है, जो भी दो नंबर्स हैं उन दोनों को क्या करिए, पहले प्लस करिए और फिर उसके सम को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड. इट्स वेरी इजी. तो 1 + 2 हुआ 3 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कौन सा आंसर मैच हो गया. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एंड इट इज वेरी इजी क्वेश्चन. सिमिलर क्वेश्चन 5, अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 and √5 इज. ऑप्शन ए इज √3 - √5/2, ऑप्शन बी इज √3 + √5/2, ऑप्शन सी इज 2.1 एंड ऑप्शन डी इज 3.1. मैंने अभी डिस्कस किया, जब भी हमें दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना होता है हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स का सम करेंगे और उस सम को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड. तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, दिस इज द ऑप्शन बी. तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिला कि अगर दो नंबर हैं ए एंड बी और इनके बीच में हम रैशनल नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, इन दोनों नंबर्स को प्लस करके उसको 2 से क्या कर दो, डिवाइड. सो दिस इज द रैशनल नंबर दैट इज इन बिटवीन दीज टू नंबर्स ए एंड बी. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी इजी क्वेश्चन. सो नाउ क्वेश्चन 6 इज 256/3/4 इज इक्वल टू. ऑप्शन ए इज 128, ऑप्शन बी इज 32, ऑप्शन सी इज 26 एंड ऑप्शन डी इज 64. तो जब भी आपको पावर फ्रैक्शन में नजर आए तो एक आपके लिए ट्रिक है कि बेस का क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे आप अपने सही रास्ते पे मूव कर पाएंगे. सो लेट्स सी 256 का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है. 2 + 2 = 2, 2 + 4 = 2, 8 + 16 अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, अगेन इट इज इवन एंड डिविजिबल बाय 2, अगेन 32 इज डिविजिबल बाय 2 एंड इट विल बी 16, अगेन इट विल बी 8 एंड देन इट विल बी डिविजिबल बाय 2 एंड इट विल बी 4. 2 से डिवाइड करेंगे 2 आया और लास्ट में 2 को 2 से करेंगे लास्ट में 1 आया. तो हमने देखा कि 2 जो है वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स. तो वो जो 8 है इसकी क्या बन गई है, पावर. तो अब एक पावर तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आई और एक पावर हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी है. और एक लॉ होता है कि अगर पावर की पावर आ जाए तो उन्हें आपस में हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई. तो 8 × 3/4, तो 4 और 8 आपस में कट हुए, आंसर आया हमारे पास 2 की पावर 3 × 2 = 6. अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, पावर 6 का मतलब है 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 टाइम्स. सो इट विल बी 64. सो ऑप्शन हमारा देखिए कौन सा मैच हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन 7 इज बिटवीन 3 and 4 देयर आर. ऑप्शन ए 10,000 रैशनल नंबर्स, ऑप्शन बी इज 1,000 रैशनल नंबर्स, ऑप्शन सी इज इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स एंड ऑप्शन डी इज 500 रैशनल नंबर्स. तो देखिए हमेशा याद रखिए, दो नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स
इंसर्ट कर सकते हैं. सो दिस इज द ऑप्शन सी इज राइट आंसर. दिस इज वेरी इजी. जस्ट ओरली यू हैव टू रिमेंबर दैट इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स कैन बी इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 8. द वैल्यू ऑफ 49 रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू. ऑप्शन ए इज 1 अपॉन 49, ऑप्शन बी इज 49, ऑप्शन सी इज 7 एंड ऑप्शन डी इज 1 अपॉन 7. तो देखिए फिर से हमने देखा पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ गई है, तो हमें क्या करना होगा 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन. तो इट्स वेरी इजी, 49 तो सिर्फ 7 की टेबल से ही डिविजिबल है. सो इट विल बी 7 टाइम्स 7 इज 49. 7 से फिर से डिवाइड करेंगे और नीचे 1 आया है. इट मीन्स हमारे पास पावर की फॉर्म इसे लिखना चाहे तो बनेगा 7 की पावर 2. ये तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन से आया. और जो हमारे क्वेश्चन की पावर है वो कितनी है, 1 अपॉन 2. अगेन द सेम रूल, पावर की पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई. सो 2 से 2 क्या हुआ, कट हुआ और हमारे पास आंसर बचा 7 की पावर माइनस 1. और देखिए एक और लॉ होता है कि नेगेटिव पावर को अगर पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, जैसे a की पावर माइनस 1 है, तो हम बेस का क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल. तो सेम रूल हमारा इस क्वेश्चन में भी चलेगा. यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 1 अपॉन 7. यहाँ पे मैच हो रहा है ऑप्शन डी. Now question 9 is P upon Q is a rational number, so P and Q must be. Option A, any two integers. Option B, one of them positive and the other is negative. Option C is both natural numbers. And option D is both integers but Q must be non-zero. तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर गया है. हम जब रैशनल नंबर पढ़ते हैं तो टीचर हमें यही डेफिनेशन सिखाता है कि रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स, आर इंटीजर्स. मगर देखिए इंटीजर तो जीरो भी होता है, तो हमने स्पेशली लिखा कि जो क्यू है, जो डिनोमिनेटर है, वो जीरो नहीं आना चाहिए. तो हमारा रैशनल नंबर जो है पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो यहाँ पर हमने देखा ऑप्शन डी जो है हमारी इस पूरी बात को सेटिस्फाई कर रहा है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. ऑप्शन ए इज रैशनल नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म. ऑप्शन बी इज इरेशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉन जीरो एंड बोथ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. ऑप्शन सी इज रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉन जीरो एंड बोथ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. ऑप्शन डी इज एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज ईदर रैशनल और इरेशनल, देयर इज नो थर्ड ऑल्टरनेटिव. सो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है. आई थिंक ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि रैशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं. दिस इज द राइट स्टेटमेंट. ऑप्शन बी बोला है कि इरेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. येस लिख सकते हैं, जबकि पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और क्यू नॉन जीरो होना चाहिए. रैशनल नंबर को भी हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. मगर जो लास्ट ऑप्शन डी है कि हर नंबर नंबर लाइन पर सिर्फ रैशनल और इरेशनल की फॉर्म में ही हो सकता है और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, सो दिस इज नॉट राइट. आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इसके अलावा और भी ऑप्शन, और भी बड़े नंबर सिस्टम्स आप देखेंगे. सो आई थिंक ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है. Question 11 is which of the following is an irrational number. Option A is 4 upon 55, option B is 1.115, option C is 1.404040 and option D is 2.313123345. तो देखिए हमें बताना है इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले आप रैशनल को कट आउट करिए. तो सबसे पहला ऑप्शन है 4 अपॉन 55. तो देखिए अगर हम देखें तो 4 अपॉन 55 जो है वो कैसा है, रैशनल है,
क्योंकि ये p अपॉन q मिल फॉर्म में लिखा हुआ है, और अगर इसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग होगा, आप चाहे तो ट्राई कर लेना। नेक्स्ट जो है b ऑप्शन है, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया है तो इरेशनल में तो जा नहीं सकता है, और अगले में देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि इरेशनल भी नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं बट वो नॉन रिपीटिंग होते हैं, बट इट इज गोइंग टू बी रिपीटेड, तो यानी ये इरेशनल में नहीं जा सकता है, दिस इज अ रेशनल नंबर क्योंकि रिपीटिशन हो रही है इसमें। एंड द लास्ट ऑप्शन इज 2.3131, यहाँ तक तो रिपीटेड था बट आगे 2, 3, 4, 5 अब ये नॉन रिपीटिंग में आ गया है, इट मीन्स ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। This 2.3131, 2, 3, 4, 5 is an irrational number. Which of the following statement is true? Option A is x raised to the power 0 is 1 upon x. Option B is x raised to the power 0 is x. Option C is x raised to the power 0 is 0. And option D is x raised to the power 0 is 1. तो देखिए हमारे पास ये भी एक लॉ है कि किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो जाए तो उसका जो आंसर होता है हमेशा क्या होता है, वन होता है। तो आई थिंक हमें आंसर आसानी से मिल गया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 13 इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, ऑप्शन ए इज एन इंटीजर, ऑप्शन बी इज अ रेशनल नंबर, ऑप्शन सी इज एन इरेशनल नंबर एंड ऑप्शन डी इज अ होल नंबर। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, सी इज इक्वल टू 2πr, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू पाई डी। अब देखिए उन्होंने बोला कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो बताएंगे तो वो आंसर आएगा पाई, और पाई को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, पाई इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो यानी हमारे जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो गया है, ऑप्शन सी, यानी के इट इज एन इरेशनल नंबर। देखिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, और 22/7 जब आपस में हम उन्हें डिवाइड करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट वो रिपीटिंग है, और वो तो रैशनल की कैटेगरी में जाना चाहिए, बट आप लोगों को ये कन्फ्यूजन है क्योंकि जो 22/7 है वो पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो इसीलिए हम पाई को रैशनल में कभी नहीं डाल सकते हैं, पाई इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो ऑप्शन ए इज √2, ऑप्शन बी इज √4, ऑप्शन सी इज √9 एंड ऑप्शन डी इज √16। देखिए ये तो सारे एक जैसे लग रहे हैं, हमें बताना है इसमें से कौन सा रैशनल नहीं है, और हम नंबर के बारे में भी बताएंगे कि कैसे पता चले कि कोई रूट वाला नंबर रैशनल में जाएगा या इरेशनल में जाएगा। तो जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो हमेशा ही रैशनल में जाते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो इरेशनल में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व करूँ तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ क्योंकि ये परफेक्ट है, 9 का स्क्वायर रूट सॉल्व करूँ तो इट इज़ पॉसिबल, एंड आंसर 16 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 4। तो ये सारे नंबर किस पे चले गए हैं, ये तो रैशनल है, मगर अगर √2 को सॉल्व किया जाए तो इसकी वैल्यू जो है 1.414, आगे सो ऑन, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी, कभी भी रिपीट नहीं होगी, यानी ये वाला जो नंबर है √2 वो किस कैटेगरी में जाना चाहिए, दिस इज एन इरेशनल नंबर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Now the last question is rationalize 1/3 − √2. Option A is 3 − √2/5. Option B is 3 + √2/5. Option C is 3 + √2. And option D is 3 − √2. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि rationalize किया क्यों जाता है। तो rationalize करने का purpose होता है कि जो डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर आ रहा है उसे रिमूव करना चाहते हैं हम, और उसका मेथड क्या है कि नीचे वाले साइन को उल्टा करके ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई, क्योंकि जैसा वर्क हमें न्यूमरेटर में करना होता है सेम वर्क वी हैव टू डू विद द डिनोमिनेटर. तो हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, साइन को चेंज करके जो माइनस था वो क्या बन गया, प्लस. अब देखिए वन से मल्टीप्लाई करें किसी चीज को तो वही का वही नंबर आ जाता है, सो इट इज 3 + 2√2. और नीचे वाले नंबर को अगर आप देखें तो एक नंबर है हमारे पास 3 − 2√2 और दूसरा नंबर जो है हमारे पास है 3 + 2√2. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक आइडेंटिटी बन रही है, और वो आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी एंड इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब सेम आइडेंटिटी आप अपने डिनोमिनेटर में फॉलो करेंगे एंड यू विल गेट द राइट आंसर. तो 3 + 2√2 के नीचे हमने आइडेंटिटी लगाई, तो पहला हो गया a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर एंड नेक्स्ट नंबर इज 2√2 का स्क्वायर हुआ. और यहाँ पर हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर ओपन करेंगे बट ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिखा हमने, और 3 का स्क्वायर करके आया 9. और 2√2 का स्क्वायर हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हुआ और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, कैसे, √2 × √2 हुआ. देखिए √2 और √2 को अगर हम सॉल्व करें तो ये होगा √4 और √4 का मतलब होता है 2. तो अब देखिए इसको हम क्या आंसर करेंगे, 3 + 2√2 और नीचे आया 9 − 8 और 9 में से अगर हम 8 माइनस करें तो ये क्या बनने वाला है 1. तो यानी जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 3 + 2√2 एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो एंड दिस वीडियो विल यू हेल्प टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.